अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आर यू फाइन? मैं बहुत दिनों से आपका ऑनलाइन लेक्चर नहीं लिया था। आज मैंने सोचा कि आज आपका ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के ऑनलाइन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है, हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया में से, किसी भी सर्टन एरिया में से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स पास करें तो वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया, थ्रू अ सर्टन एरिया, किसी भी एरिया में से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स पास करती हैं, पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका फार्मूला क्या है, मैथमेटिकली इसे कैसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इसको फाई ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ए इज द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ई डॉट ए, जब डॉट पूरा खत्म करते हैं तो क्या आता है, एंगल आता है ई ए कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब किसी भी एरिया में से, सर्टन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होता है। उसके लिए केस बना लेते हैं। केस वन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड एरिया वेक्टर ए आर पैरेलल टू ईच अदर। जब जो ई और मेन, जब एरिया वेक्टर भी उसी साइड पे हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी साइड पे, ठीक है, तो आपका यह है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास करती है। नॉर्मल इट इज आल्सो ड्रॉन टू द नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर ए आर पैरेलल टू ईच अदर। देन इफ ई एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट पूरा खत्म करें तो क्या आता है, ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो आप थीटा की वैल्यू पुट करें, ई ए कॉस ऑफ जीरो, साइड पे डॉट पे लिख लें। कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, ठीक है। तो ई ए कॉस ऑफ 0 1 मीन आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम आ गया। मीन जब पॉजिटिव आया और मैक्सिमम आया, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड एरिया वेक्टर ए पैरेलल टू इच अदर देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। नाउ वी चेक केस 1 की क्या है, व्हेन ई एंड ए आर पैरेलल टू इच अदर देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। नाउ केस 1, केस 2 इज व्हेन ई एंड ए आर एंटी पैरेलल टू इच अदर, एंटी पैरेलल टू इच अदर। जब दोनों ई और ए एंटी पैरेलल हो, मीन एरिया वेक्टर इस जानिब है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अपोज कर रही हैं,
देन द एंगल मेड इज 180, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट आप रिमूव करते हैं तो क्या आता है ई ए कॉज ऑफ थीटा, तो थीटा क्या है आपके पास 180, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 180, कॉज ऑफ 180 नोट पे लिखें साइड पे, कॉज ऑफ 180 होता है माइनस वन, कॉज ऑफ 180 माइनस वन। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव एंड मिनिमम, मिनिमम है और आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया नेगेटिव आया। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो था आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड एरिया वेक्टर ए आर पैरेलल टू ईच अदर देन द फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, एंड इफ द ई एंड ए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन द फ्लक्स इज मिनिमम एंड नेगेटिव। नाउ वी चेक द केस नंबर थ्री, when E and A are perpendicular to each other, perpendicular to each other, जब E और A दोनों एक दूसरे पे क्या है perpendicular है, mean electric field lines जो है वो उसके एरिया वेक्टर पे नॉर्मली है परपेंडिकुलर है, मीन ये एरिया वेक्टर है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, तो आप उसके दरमियान क्या एंगल बन रहा है 90 का, ठीक है, क्या एंगल बन रहा है 90 का, तो ये सपोज ये एरिया वेक्टर है, दिस इज आउटवर्ड डाउन टू द नॉर्मल area vector and electric field lines are in this condition, then the angle made between E and A is 90, electric field lines और इसके दरमियान जो है angle क्या बन रहा है 90 का बन रहा है, then theta is equal to 90, now check by using electric flux E is equal to Phi E is equal to E dot A, dot product remove करें तो क्या आता है E A cos theta, putting the value of theta, theta is equal to 90, E A cos of 90, cos of 90, do you know that the cos of 90, cos of 90 is equal to 0, cos 90 0 होता है, ठीक है, तो E A cos of 90, तो आपके पास cos 90 ये सारी टर्म जीरो हो गई, तो फ्लक्स आपके पास क्या आ गया जीरो आ गया, फ्लक्स आपके पास क्या आ गया जीरो आ गया। यहाँ पे क्या हुआ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो देन द एंगल मेड इज 90 एंड द फ्लक्स इज जीरो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्टली केस वन व्हेन ई एंड ए आर parallel to each other, secondly when E and A are anti-parallel to each other, and case 3 is when E and A are perpendicular to each other, then what is flux? Flux will be 0. Thank you very much.